तो समझिए कि आने वाला समय में नवादा का हर एक गांव कैसा भयानक स्थिति से गुजरेगा, चाहे वो बीजेपी का गांव हो, आरजेडी का गांव हो, जदयू का गांव। ये अधिकारी अगर इस नजर से देख रहे हैं, इस चश्मा से देख रहे हैं, पूरा गांव में मैंने आधा गांव का हर एक है, एक तो अपना ही परिवार ले जा रहा है, अपना ही परिवार भी संकोच हो रहा है, जिसका मैंने सीरियस हो जा रहा है। अब जलाने गया उसको बाद दाह कर्म के लिए, तो वह भी जो है उसको भी टांग के ले जाना पड़ा। तो ज्यादा होने लगा, आज सवेरे करीब करीब 25 को के हम भेजे नवादा आर्थनीगंज मिल की। वीडियो साहब तो बोले उलगन नियन बोले, हम लोग उस पर तो गर्म हो गए। वो सब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम आए, तो उससे कुछ सुधार हुआ गांव में? आप कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं नहीं भी आते तो मतलब वो उसी जैसे था उसी रहता। सुधार कोची रहते रहा एक मिनट, तो जो आदमी आवो है तो जी कम से कम एक घंटा रहे, दो घंटा रहे तब। तो नवादा के बरसलीगंज ब्लॉक के बलवा गांव में बीते 4 दिन से डायरिया बीमारी से लोग पीड़ित हैं। आपको बता दें 50-60 की संख्या में यहाँ लोग परेशान है। सवाल पैदा होता है कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का टीम और तमाम आला अधिकारी जो ढिंढोरा पीटते हैं विधि व्यवस्था को बेहतर करने का, वो कहाँ थे? और अगर विधि व्यवस्था बढ़िया था तो 4-5 दिन से लोग पीड़ित हैं, स्वास्थ्य विभाग का टीम क्या कर रहा था? आपका जो बरसलीगंज ब्लॉक सदर अस्पताल है ब्लॉक का, वो क्या कर रहा था? वहाँ का डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे? देखिए तमाम ग्रामीण है, गांव जब आप आइएगा तो आपको रोना आ जाएगा। इतना डर का माहौल है कि गांव में सुनसान है, दिन को आपको रात नजर आएगा। आप घूमेंगे, हम गांव वाला भी क्लिप आपको दिखाएंगे वीडियो में, पूरी तरह से लोग डरे सहमे हुए हैं, गांव में एक दूसरे से छूने से डर रहे हैं, इस ऐसा भय का माहौल हो गया। आपको बता दें एक व्यक्ति का मृत्यु भी हो गया है, महिला का मृत्यु हुआ है, उर्मिला देवी जिनका नाम है। देखिए तमाम ग्रामीण इनसे समझेंगे, कितने दिन से डायरिया बीमारी आपके गाँव? तीन चार दिन से। हाँ, और उर्मिला देवी का डेट कर गया तो उसमें उसका गोतिया नया राजू यादव जो जलाने गया, अब उसको टांग करके भर्ती किया है नवादा में 3-4 आदमी, यानी उसको जो जलाने जा रहा है, छूने जा रहा है, उसको भी भर्ती करना पड़ रहा है। इसके डर से कोई छू नहीं रहा है, आदमी जी देते धरा नहीं छू रहा है, तो मामला गंभीर है। हमें तो आपका पूरा एकदम वही डर से जो है कि एक दूसरे को जो है नहीं है, जिससे और बढ़ गया। अभी तो आए थे डॉक्टर तो ओरल गोली वगैरह दे के गया, तो गोली से सुनने वाला है सब, तो सलाइंग हो रहा है सबका। नवादा में वारसलीगंज में प्राइवेट में सुनीति बाबू तो दूगो है, आजाद बाबू तो है नवादा में, उसको इतना गंभीर हो गया कि उसका नस तक नहीं पता चल रहा है, सुइया न 3 दिन से मानी पानी चढ़िए रहा है लगातार, मतलब 3-4 दिन से ही गांव काफी परेशान। हाँ, 4 दिन से। कितना लोग बीमार है करीब? पूरा गाँव में मानी आधा गाँव का हर एक है, तो एक तो अपना ही परिवार ले जा रहा है, अपना ही परिवार भी संकोच हो रहा है, जिसका मानी सीरियस हो जा रहा है। अब जलाने गया उसको बाद दाह कर्म के लिए, तो वह भी जो है उसको भी टांग के ले जाना पड़ा। तो लगभग कितना संख्या? 50-60 संख्या? हाँ, 50 से ऊपर ही है। वो प्राइवेट में ज़्यादातर है, सरकारी अस्पताल में कम है। कुछ एम्बुलेंस तो जो है हर के आ रहा है, फिर लेने जा रहा है तो लेट हो रहा है, जब तक जो है हर के प्राइवेट में जो है इधर उधर भाग रहा है अपने। अब सवाल पैदा होता है कि 3-4 दिन से ऐसा है, कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? सुधार और बढ़ गया कि सुधर तो दो चार को था, मरने के बाद जो है और बढ़ गया, उसको जो है कोई सट नहीं रहा है। जो उसको दाह कर्म करने गया था उधर से जो उसको भी टांग के ले जा रहा है, तो अब कौन सटेगा? 3-4 दिन में कोई स्वास्थ्य विभाग का टीम आया, कोई अधिकारी आया? आया। कौन आया? नर्स लोग थे। हाँ। वो आए कल, बस एक घंटा मात्र रुकी और दवाई पौड़े छिड़काव करके चले गई। एक घंटा मात्र रुका? बस मात्र एक घंटा। काहे आप लोग विरोध नहीं किया कि आप लोग रहिए कैंप डालिए? विरोध किए, लेकिन कहीं कि हम फिर आवेंगे तो ऐसे रह गया। तो ज्यादा होने लगा, आज सवेरे करीब करीब 25 को के हम भेजे नवादा आर्थनीगंज मिल की सवेरे में 10 बजे। वीडियो साहब सब आए थे? वीडियो आए थे। वीडियो क्या बोले? वीडियो कहें कि उतार लिख दिए, कल जो कल आया था वो लिख दिया था कि यहाँ कोई डर नहीं है, कोई रोग नहीं है। यहाँ क्या लिखा था? ये बात जो टीम आई थी लेडीज, हम तुम लोग को साहब साथ नहीं, वीडियो नहीं थे कल, आज वीडियो थे। वीडियो साहब क्या बोल के गए? वीडियो साहब तो बोले उल्लंघन नियन बोले, हम लोग उस पर तो गर्म हो गए। क्या उल्लंघन नियन बोलो? वो कहें कि यहाँ क्या तेजस्वी के आदमी है, ऐसे करके बोले। हाँ, तो देखिए तो मतलब नवादा में न्याय अधिकारी अब ये देख कर देंगे कि कौन गांव तेजस्वी का है, मतलब कौन गांव आरजेडी का है, कौन गांव बीजेपी का है और कौन गांव जदयू का है। मतलब अगर ऐसा स्थिति परिस्थिति अगर अधिकारी देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो समझिए कि आने वाला समय में नवादा का हर एक गांव कैसा भयानक स्थिति से गुजरेगा, चाहे वो बीजेपी का गाँव हो, आरजेडी का गाँव हो, जदयू का गाँव। ये अधिकारी अगर इस नजर से देख रहे हैं, इस चश्मा से देख रहे हैं, सही बोल रहे हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं।
उनसे जब गोदाल के भाई कि आप लोग कैंप कीजिए, दवा हुआ सलाइन वगैरह, जब गरीब आदमी कने कने ले जाएगा, नहीं टांगने के लिए डर से है, तो आया तो जरूर दो चार गो नर्स वगैरह कुछ दवा हुआ छिड़का गली कुची में, चलते रहा। मतलब आप लोग अब स्वयं से पैसा खर्च करके साधन करके इलाज? हाँ, अपना अपना जैसे जिसको हो रहा है, प्राइवेट में एम्बुलेंस नहीं तो जैसे तैसे भाग करके नवादा वारिसलीगंज। एम्बुलेंस कहाँ आ रहा है? एम्बुलेंस अब मान ली एगो आता है तो एगो को ले गया, तो फिर जब तक के दूसरा को दो घंटा में आता, दो घंटा में तीन चार आदमी हो जाता, तो उसका इंतजार कितना। कोई प्रतिनिधि वगैरह ये सब आए हैं? प्रतिनिधि वगैरह कोई नहीं आया, वही आया वो। कौन सा पंचायत पड़ता है? मंजर पंचायत है। विधायक कौन हुए? विधायक अरुणा देवी हुए। देखिए बारसलीगंज विधानसभा के हम दिखा रहे हैं बलवा पर, सवाल पैदा होता है कि तीन दिन से लोग पूरा गांव परेशान है, पूरा गांव रो रहे हैं। अगर आप आइएगा देखिएगा स्थिति परिस्थिति को कि लोग में काफ़ी डर का माहौल है। समझ सकते हैं कि 50-60 का अगर स्थिति में सब बीमार है, गांव से 50-60 लोग बीमार है। हम गांव भी दिखाएंगे आपको, वीडियो क्लिप में दिखा रहे होंगे गांव की, गांव कितना सन्नाटा है। अगर ऐसा स्थिति है उसके बाद भी कोई अधिकारी से लेकर, कोई अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से लेकर वीडियो साहब अगर आके और संज्ञान नहीं लेंगे, अगर सीरियस इस मैटर को नहीं लेंगे, तो कौन ई गाँव वालों को सहारा बनेगा, कौन ई गाँव वाले को हिम्मत देने का काम करेगा? काफी डर का माहौल है। देखिए तमाम बुजुर्ग लोग हैं। क्या क्या नाम है दादा? हमारा राजेंद्र प्रसाद। डर हम लोग तो हार गए एकदम माहौल देख के, अब क्या करें हम लोग? कोई सहारा आप लोग का नहीं? कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं हो रहा है, क्या करें? हाल फिलहाल वोट भी पड़ा है। हाँ, पड़वे किया है, चुनाव चल रहा है पूरे देश में। हाँ, चुनाव कोई सहारा, कोई सहारा नहीं। जब विपत आया तो? विपत आया तो कोई कहीं कोई देखने वाला नहीं है। खुद से पैसा खर्चा कर रहे हैं, खुद से परेशानी, अपना पैसा लगा रहे हैं घर में से, क्या करें? अपना अपना पैसा खर्च कर रहा है सब। अब किया तो एक घंटा में तुरंत वीडियो साहब ही आए और तुरंत चले गए। रहना चाहिए कम से कम एक दो दिन तक स्वास्थ्य विभाग की टीम को रहना चाहिए। कहाँ है, एको दो घंटा तो नहीं रहा, यहाँ दो घंटा नहीं रहा, चला गया। अच्छा, वो सब जब स्वास्थ्य विभाग की टीम आए तो उससे कुछ सुधार हुआ गाँव में? कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं। नहीं भी आते तो मतलब उसी जैसे था उसी रहता। एकदम जो है वहाँ से वह देखो बुतरुआ का रहे बल बेहाल थके सुधार कौची रहते रहे एक मिनट तब जे आदमी आबो है तो जी कम से कम एक घंटा रहे दो घंटा रहे तब आधारो है तुरंत आदमी में चलो ट्रीटमेंट करते हैं। जब वारसलीगंज अब वारसलीगंज से गलिए तो भेज दल को नवादा, वारसलीगंज में भी बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहा है। नहीं मतलब डायरिया का इलाज वारसलीगंज नहीं अस्पताल कर पा रहा है, करियर पर नवादा भेज दल के लिए। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं गांव का नाम हुआ बलवा पर, जो मंजौर पंचायत में पड़ता है, बारसलीगंज विधानसभा हुआ, जिला नवादा हुआ। 50-60 के संख्या में, जैसा कि ग्रामीण बोल रहे कि 50-60 के संख्या में डायरिया से तीन चार दिन से लोग पीड़ित है, लेकिन हमको जो सुविधा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए, अधिकारी से जो कॉपरेशन मिलना चाहिए, मदद मिलना चाहिए, वो एकदम पूरी तरह से नदारत दिख रहा है। हम लोग खुद के बल पर खुद पैसा खर्चा करके, यहाँ तक एम्बुलेंस भी बढ़िया से सेवा नहीं दे पा रहा है, अपना खुद के बल पर जा गाड़ी करके नवादा में इलाज करवा रहे हैं, कोई जिनको जहाँ मतलब हो पा रहा है इलाज करा रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सरकारी अस्पताल किस लिए होता है, सरकारी डॉक्टर किस लिए होते हैं? क्या जब एक नॉर्मल सा दस्त डायरिया अगर इलाज नहीं कर पा, मदद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? गांव का माहौल पूरी तरह से डर में जी रहे हैं। अब तमाम अधिकारी पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक इस गाँव में अभी तक नहीं आए हैं, तीन चार दिन इस बीमारी को हो गया है। अब कब आएंगे अधिकारी पदाधिकारी लोग, कब आएंगे जनप्रतिनिधि लोग जो MLC हैं, सांसद हैं, विधायक हैं? सवाल पैदा होता है। गांव का चेहरा, गांव के लोगों का चेहरा आपको दिखा रहे थे, बात करा रहे थे, बातचीत कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आप देख रहे हैं मगी आवाज सन्नू के साथ, धन्यवाद।